Hello everyone, my name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute, and you know very well that Backbenchers Institute is an institute of spoken English at Korba City. Okay, I have been teaching English last many years. Actually, I have been learning English last many years. I cannot say myself as an English trainer because I am also a learner. क्योंकि मैं भी एक मैं भी English सीखता हूँ. Okay, जैसे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ. ओके, लॉयर कहते हैं कि मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ. ओके, सो आई एम ऑल्सो सेइंग दैट कि मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ. बिकॉज लैंग्वेज, व्हाट इंग्लिश इज अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट. तो कोई भी टीचर या कोई भी व्यक्ति जो इंग्लिश सीख रहा है वो अपने आप को परफेक्शन या अपने आप को परफेक्ट नहीं कह सकता किसी लैंग्वेज के क्षेत्र में. सो आई कैन नॉट से परफेक्ट. ओके, परफेक्ट टीचर. सो मैं कभी अपने आप को परफेक्ट नहीं कह सकता. इज इट क्लियर? आई एम ऑल्सो अ लर्नर. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ इंग्लिश में. ओके, इफ यू हैव क्लिक दिस वीडियो, अगर आपने वीडियो क्लिक कर लिया है तो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो. इज इट क्लियर? द इंग्लिश स्पीकिंग, डेफिनेटली इंग्लिश स्पीकिंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. यस, इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर लाइफ. ओके, many people want to speak english but they are not able to speak english. Is that clear? They are not able to speak fluent english. Even they are not able to express their thought in english. Okay, even many people when they come to stage, on the stage, okay, they fumble. Okay, they get nervous. So that's kind of problem, that kind of problem they are facing. Okay, तो मैं ये जानना चाहता हूँ और मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इसकी प्रॉब्लम कहाँ से शुरुआत, इसकी जो शुरुआत है, इस जो प्रॉब्लम की शुरुआत है वो कहाँ से होती है. इवन क्योंकि आई हैव ऑब्जर्व्ड वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर दैट कि मेरे पास काफ़ी सारे लोग पढ़ने आते हैं, काफ़ी सारे बच्चे पढ़ने आते हैं. बच्चे बोलने का मतलब है जो ट्वेल्थ पास हो चुके हैं. ओके, दे आर इन कॉलेज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, दे आर फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूल, इवन दे आर फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम स्कूल. They are not able to share their thoughts in English. They are not able to, okay, express their thoughts, okay, and the emotions also. So what is the reason? इसका शुरुआत या हमारी जो English है वो बिगड़ कहाँ से गई? क्योंकि हमने, okay, हमने स्कूल में ऑलमोस्ट 12 से 14 साल इंग्लिश पढ़ते हैं, या फिर हम जो भी क्लास में एंटर करते हैं. ओके, अगर हम आजकल तो बहुत नए नए क्लासेस आ चुके हैं. ओके, लेट्स टेक इट, अगर कोई KG 1 या उससे नीचे से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट हम इंग्लिश को 12th क्लास तक पढ़ते हैं. तो जब हम इंग्लिश को 12th क्लास तक पढ़ रहे हैं उसके बाद भी हम व्हाई वी आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश. भाई अगर हम, लेट्स टेक एग्जांपल, अगर हम क्लास 1 से क्लास 12 तक, ओके, 12 साल अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और अगर क्या हम पढ़ते ही हैं, ओके, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमें इंग्लिश बोलना आता क्यों नहीं है? कभी आपने ये क्वेश्चन पूछा अपने आप से? कभी आपने ये क्वेश्चन पूछा अपने स्कूल के टीचरों से? कभी पूछा ये क्वेश्चन? नहीं पूछा. बस हमको जो पढ़ाया जा रहा है वो हम पढ़ रहे हैं. इवन द पेरेंट्स आर नॉट आस्किंग इन द स्कूल, ओके, कि भाई क्या पढ़ा रहे हो आप, क्यों पढ़ा रहे हो. ओके, अगर बच्चा ये पढ़ रहा है तो उसको आ क्यों नहीं रहा है? दे आर नॉट आस्किंग. व्हाई? बिकॉज यू आर not able to ask any question, क्योंकि आप question पूछ पा ही नहीं रहे. ठीक है ना? So first of all you need to understand that how to ask question, how to ask right question at the right place, that you need to understand. Okay? So अगर हम 1 से 12 साल तक English पढ़ते हैं तो हमको English बोलना आता क्यों नहीं है? That's आपको समझना चाहिए. और क्यों नहीं आता है उसको, उस पर फिर focus करना चाहिए. Is that clear? That's the main. आज मैंने 4 या 5 topic इस पर बनाया है जो कि बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि आपको बताऊं, समझाऊं, लेकिन दैट्स वेरी ट्रू. आप में से बहुत सारे लोग मेरी बात को एग्री करेंगे, मेरी बात को एग्री नहीं करेंगे. ठीक बात है ना? ओके, तो बट दिस इज ट्रू. व्हाट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू, दिस इज वेरी ट्रू. ओके, दैट्स वेरी, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा था हेडिंग में, ओके, कि व्हाई योर इंग्लिश इज नॉट सो गुड. ओके, एंड ओके, सो सॉरी, ओके, व्हाई योर इंग्लिश इज not so good, what's the main reason? तो main reason क्या है? इसका शुरुआत कहाँ से होता है? I think that इसका शुरुआत होता है आपके स्कूल से. Yes, हमारे स्कूल से, because I was from the government school, और मुझे कोई regression नहीं है कि मैं government school से हूँ, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं इससे. स्कूल भी बहुत बड़ा भूमिका निभाता है हमारे लर्निंग पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति के या एक बच्चे के विकास में दो लोगों का बहुत महत्वपूर्ण होता है. पहले हैं पेरेंट्स और दूसरे हैं टीचर्स. अगर पेरेंट्स और टीचर दो अगर बहुत अच्छे मिल गए
डेफिनेटली उस बच्चे का बहुत अच्छे से विकास होगा। अगर दोनों अच्छे नहीं रहे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा उसमें, ठीक है ना। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, है ना। ऐसा बात नहीं कि बहुत सारे जगह में ऐसे भी होते हैं कि उनको अच्छे टीचर्स नहीं मिले, और कई सारे लोगों को अच्छे पेरेंट भी नहीं होते, फिर भी लोग सीखते सीखते निकल जाते हैं। लेकिन तो हम जो बड़े चीजें हैं उन पर फोकस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वाई वी आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर स्टडिंग 10 to 12 ईयर। तो 10-12 साल इंग्लिश पढ़ने के बाद भी वाई वी आर नॉट, हम इंग्लिश बोलने के लायक क्यों नहीं बनते स्कूल में। सबसे पहला कारण है, यू हैव लर्नड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन द स्कूल। आपने इंग्लिश को स्कूल में एज अ सब्जेक्ट सीखा है, ठीक है ना। क्योंकि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, जैसे हिंदी एक भाषा है उसी तरीके से इंग्लिश भी एक भाषा है, जिसको बोलकर, जिसको व्यक्त कर, जिसको जिसको हम अपने आप एक्सप्रेस करके आराम से सीख सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज है, बहुत ही आसानी से हम इसको सीख सकते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे और क्यों हमने इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ा। चलिए मैं मानता हूं कि हमने इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ा स्कूल में, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज भी पढ़ाया जाना चाहिए स्कूल में। और इसके लिए टीचर्स मस्ट स्पीक इंग्लिश। तो टीचर्स को भी इंग्लिश बोलना और समझना आना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो हमें पढ़ाते थे इंग्लिश स्कूलों में, ठीक है, उनमें से बहुत सारे टीचर्स को इंग्लिश बोलना आता ही नहीं था, लेकिन वो इंग्लिश पढ़ाते थे। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा और अभी भी हो रहा है, इज दैट क्लियर। तो अगर आप अपनी इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट सीख रहे हैं तो आप कभी भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, इज दैट क्लियर। तो आपको अगर इंग्लिश बोलना है तो यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू लर्न इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, नॉट अ सब्जेक्ट। तो सबसे बड़ी गलती यहां होती है कि अगर स्कूलों में इंग्लिश सिखाया जा रहा है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, उसमें कम से कम क्या करना चाहिए, हमें दो तरीके की इंग्लिश सिखानी चाहिए। पहला है सब्जेक्टिव पार्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन नॉट डिनाई इट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उसके साथ ही साथ अलॉन्ग विथ सब्जेक्ट वी हैव टू लर्न लैंग्वेज ऑल्सो, इज इट क्लियर। तो इसके लिए दो तरीके के, एक तो सब्जेक्टिव पार्ट पढ़ाइए आप, और एक तो लैंग्वेज पार्ट पढ़ाइए। अगर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और आप लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहे हैं तो 10-12 साल क्या 20-50 साल भी वो बच्चा इंग्लिश पढ़ लेगा, फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाएगा, याद रखिएगा। ओके, द सेकेंड पार्ट इज, बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो इंग्लिश को इनकरेज करते ही नहीं अपने स्कूल में। बहुत सारे टीचर्स इंग्लिश को इनकरेज करते नहीं, वो बच्चों को गलत चीजें बताते हैं कि यार इंग्लिश सीखने, मैं लाइव देखा हूँ ये चीज को, ठीक है ना, कि यार इंग्लिश क्या सीखना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, जो टीचर्स जिस चीज में ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, सपोज कोई मैथ्स पढ़ा रहा है तो मैथ्स को इंक्रेज ज्यादा सपोर्ट करते हैं, कोई केमिस्ट्री पढ़ा तो केमिस्ट्री को, बट दूसरे सब्जेक्ट को, दूसरी लैंग्वेज को ज्यादा महत्व नहीं देते। तो ऐसा भी करना एक बहुत ही गलत तरीका है। ओके, इंग्लिश इंप्रूव करना केवल इंग्लिश बोलना नहीं होता। इफ एनीवन इंप्रूविंग इंग्लिश, तो उसके साथ साथ वो अपने थिंकिंग पावर को इंप्रूव करते हैं, उसके साथ साथ वो अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव करते हैं, उनके साथ साथ वो अपने स्टेज फियर को इंप्रूव करते हैं। तो इसका बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है, याद रखिएगा, इज इट क्लियर। तो उन टीचर को भी मैं कहना चाहता हूँ जो केवल केवल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनको लैंग्वेज भी पढ़ाना चाहिए। ओके, और वो पेरेंट भी, ठीक है, बात है ना। ओके, इसके बाद है नो एटमोस्फेयर ऑफ इंग्लिश। अब मान लीजिए हमारे बहुत सारे स्कूल में, ठीक है ना, इवन दे टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, इवन द एटमोस्फेयर नहीं इंग्लिश का। अगर इंग्लिश का एटमोस्फेयर नहीं रहेगा तो डेफिनेटली बच्चे को उतना वो इंप्रूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि मान लीजिए हम पूरे टेक्स्ट बुक हम इंग्लिश में कर देते हैं लेकिन बात पूरे हिंदी में हो रही है, तो फिर क्या फायदा। ओके, क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं फिर उसका, इज दैट क्लियर। सो एटमोस्फेयर हमारा इंग्लिश होना चाहिए। अगर एटमोस्फेयर हमारा इंग्लिश रहेगा तब जाके हम थोड़ा बहुत अपनी बातों को इंग्लिश में एक्सप्रेस कर पाएंगे, अदरवाइज हम उसको भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, इज दैट क्लियर। उसके बाद है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, वही बात मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि मैनी टीचर्स आर नॉट इंग्लिश स्पीकर। बहुत सारे टीचर्स हैं जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, इवन दे आर नॉट गुड इंग्लिश स्पीकर, और ना तो बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं इंग्लिश बोलने के लिए, ना उनको खुद इंग्लिश आता है। मैं बहुत बड़ा टीचर नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति भी नहीं हूं, मेरे बहुत ज्यादा पहचान भी नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं, ठीक है, कि
ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद वो चीज सिखाते हैं लेकिन वो खुद अप्लाई नहीं करते। ओके, हमारी सोसाइटी भी इसी तरीके से डेवलप है, हमारी सोसाइटी भी इसी तरीके से चलती है। ओके, बहुत सारी चीजें वो बताते हैं लेकिन खुद अप्लाई नहीं करते। तो जब तक वो सिखाने वाले व्यक्ति अगर उन चीजों को अप्लाई नहीं करेंगे तो सीखने वाले बच्चे कभी भी उस पर अमल नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। तो मेनी टीचर्स आर नॉट इंग्लिश स्पीकर, इवन दे आर टीचिंग इंग्लिश इन द स्कूल, याद रखिएगा इस बात को। तब तक जो बच्चे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो उनको खुद नहीं आएगा तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। और एक और चीज जो लास्ट है, लास्ट तो कुछ होता नहीं, इस पर बहुत सारे टॉपिक बन सकते हैं और मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी से एक और, पेरेंट अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, इंग्लिश बोलवाना चाहते हैं लेकिन खुद नहीं सीखना चाहते, खुद नहीं बोलना चाहते, घर में कोई एटमोसफियर क्रिएट नहीं करना चाहते, ठीक है। ऐसे पेरेंट जो अपने बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाना चाहते हैं लेकिन खुद नहीं सीखना चाहते, उनके बच्चे ना तो अच्छे से कुछ कर पाएंगे ना तो कुछ बोल पाएंगे। पहला, सबसे पहले आपको खुद आना चाहिए। देखिए, पेरेंट्स वॉन्ट दैट दैट देयर चिल्ड्रन मस्ट नो इंग्लिश बट दे डोंट वॉन्ट टू लर्न। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये सीखें वो सीखें, यहाँ जाए वहां जाए, ऐसा करे वैसा करे, लेकिन खुद अपने आप पर वो इम्प्रूव नहीं करते हैं। दैट्स द ट्रू, दैट्स द ट्रू, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई उस समय तो हमारे पिताजी माताजी ऐसा नहीं किया करते लेकिन हम तो सीखे। हर दिन हर समय हर घंटे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर समय नया एक दौर आ रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कंपेयर करने नहीं बैठे हैं कि वो समय ऐसा था अब ऐसा था, पहले ऐसा होता था अब ऐसा होता, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपने अपने आप अपने नाकामियों को, ठीक है ना, अपने आपने जो मेहनत नहीं किया है उसको अपने बच्चों के सामने आप छुपाइए मत, ठीक है ना। एक कॉमन सा डायलॉग है कि मुझे मौका नहीं मिला, या फिर मेरा कोई मदद करने वाला नहीं था, इस तरीके से मतलब फालतू का डायलॉग मारते हैं, ठीक है। या मुझे कोई बताने वाला नहीं था, अरे किसी जमाने में किसी को कोई बताने वाला नहीं होता है, ठीक है ना। सब धीरे 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 कर करके हाथ पैर मार मार के सीखते हैं, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति नहीं कर पाता है वो दूसरों पर टाल देता है, वो बहाना मानता है कि यार इसके वजह से हो गया, उसके वजह से हो गया, मेरे पास अच्छा माहौल नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे, ये सब चीजें बहाने मारते हैं लोग जो नहीं कर पाते हैं, उनकी बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो पेरेंट चाहते हैं कि वो मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाए, यहाँ जाए वहां जाए, ये करे वो करे, लेकिन खुद ही कुछ इंप्रूव नहीं करते हैं, खुद ही अपने बच्चों को इनकरेज नहीं करते हैं। तो दैट इज द बिगेस्ट पार्ट। तो ये तीन चार पार्ट जो मैंने आपको बताया हूँ, यही तरीका है जो हमारी ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है। यही तरीका है जो हमारे ग्रोथ को, हमारे इंग्लिश को, हमारे इंप्रूवमेंट को रोकते हैं, ठीक है ना। कुछ समय पहले ऐसे थे कि बच्चे कुछ भी करके सीख जाते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, अवेलेबल इन वन टच, हर चीज आप एक समय पर अब बच्चों के पास आ गया है, ठीक है ना। तो बच्चे अब खोजते नहीं है कुछ, जैसे कि अगर मुझे कुछ वर्ड पहले खोजना होता था, मैं भी कोई पुराना व्यक्ति नहीं हूँ, बट इट इज वेरी ट्रू, या आप भी अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में उतने नहीं जानते थे पहले, तो अगर आपको कोई वर्ड खोजना होता था, अब इफ यू वॉन्ट टू सर्च एनी वर्ड, तो आप क्या करते थे, आप डिक्शनरी पर जाते थे, और वर्ड खोजते थे। तो उसमें नहीं नहीं हमको 10-15 मिनट का टाइम लगता था, लेकिन आज किसी व्यक्ति को एक वर्ड खोजना तो तुरंत मोबाइल में सर्च करेगा उसको मिल जाएगा। तो हर चीजें चेंज होती रहती है ना, तो आप उस समय की बातें अभी कंपेयर नहीं कर सकते, दैट्स वेरी रॉन्ग, इज दैट क्लियर। सो ये चीजें हैं भाई, पहला है ये कि यू हैव लर्न्ड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन द स्कूल, नॉट एज अ लैंग्वेज। दूसरा है नो एटमोसफियर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश कोई एटमोसफियर नहीं होता है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। मेनी टीचर्स आर नॉट इंग्लिश स्पीकर, बहुत सारे टीचर्स हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं लेकिन इंग्लिश बोलना नहीं आता, ये भी एक कारण है। दूसरा, चौथा है पेरेंट वॉन्ट दैट देयर चिल्ड्रन मस्ट नो इंग्लिश, बच्चे पेरेंट चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी बोले लेकिन खुद उनके पेरेंट जो है ना तो अंग्रेजी बोलते हैं ना तो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, ना ही अपनी इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। आई होप आपको आज का ये क्लास समझ में आया होगा और आपने कुछ तो सीखा होगा, ठीक है। अगर आपने कुछ ना कुछ सीखा है तो आप प्लीज लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग व्हाटएवर आई हैव टॉल्ड यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।